दुर्ग जिले के भिलाई के कोहका स्थित रुंगटा कॉलेज आर्ट टू द्वारा छात्रों में मनमानी फीस वसूली को लेकर एक बार फिर रुंगटा कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल रुंगटा कॉलेज आर टू प्रबंधन लंबे समय से मनमानी फीस वसूल रहा है, तो वही छात्रों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहा है। इससे करीब आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की दीवारों पर जगह जगह कालिख पोत कर अपना गुस्सा जाहिर किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा की दलाली बंद करो के नाम पर काले पोस्टर कॉलेज के दीवार पर छाप दिए, तो वहीं युवा मोर्चा के लोगों का आरोप है कि छात्रों से नॉन ऑडिटिंग फीस के नाम पर 5,000 से 8,000 रुपए तक वसूले गए हैं, तो वहीं एडवांस सेमेस्टर फीस के नाम पर 35,000 रुपए से लेकर 75,000 तक वसूले गए हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन से लिए गए अतिरिक्त शुल्क और पैसे को छात्रों को वापस करने का निवेदन किया है। धरना प्रदर्शन वजह से किया गया, क्या था मामला? लगातार आ रही शिकायतों के माध्यम से छात्रों से नॉन अटेंडिंग शुल्क के नाम पे, एडवांस सेमेस्टर फीस के नाम पे और अन्य फाइनों के नाम पे छात्रों से अवैध वसूली की जा रही थी। लगातार जब प्रबंधन से शिकायत की जा रही थी तो प्रबंधन ने उसने भी कोई ठोस रवैया नहीं अपनाया। लगातार बात करने के पश्चात ही जब समस्या का निवारण नहीं हुआ तो उसके पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रुंगटा तकनीकी विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में प्रदर्शन किया। क्या बात हुई प्रबंधन से? प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार की है और आने वाले समय में गलती की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ जिन बच्चों से अवैध शुल्क लिया गया है उन्हें तत्काल शुल्क वापसी के साथ साथ जिन फैकल्टीज ने शुल्क लिया उन्हें बर्खास्त करने की बात कही गई है। कितने फीस लिए होंगे? नॉन अटेंडिंग शुल्क के नाम पर किसी बच्चे से 5,000 रुपये, किसी से 10,000 रुपये, किसी से 15,000 रुपये तक और सेमेस्टर फीस के नाम पर किसी बच्चे से 38,000 रुपये से लेकर के साल की 75,000 रुपये तक की फीस ली गई। कितने बच्चे लिए होंगे ऐसे? लगभग आप मान सकते हैं कि पूरे कॉलेज के अंदर कम से कम 150 बच्चे हैं। नितेश मिश्रा, प्रदेश प्रशिक्षण सह प्रमुख, भारतीय जनता युवा मोर्चा। प्रदर्शन हो रहा है, संजय सर बताएंगे, अभी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ रुंगटा कॉलेज में बच्चों से अवैध फीस ली जा रही, मतलब गलत तरीके से फीस ली जा रही, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मामला? ये पहली बार हमारे नॉलेज में बात लाई गई है और इसके पहले कभी इस तरह का ज्ञापन या किसी तरह की शिकायत हमें ज्ञात नहीं हुई थी। अब अगर उन्होंने लिख के दिया है तो मैं इस पर निश्चित कार्रवाई करूँगा। जिस तरह का प्रदर्शन हुआ इसको आप क्या मानते हैं? अब देखिए, प्रजातंत्र है, प्रदर्शन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। सारे कॉलेज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा तभी इतने आक्रोशित हुए हैं। तो आप मानते हैं कि कुछ गलती है? हुआ होगा, देखिए मैंने अभी देखा नहीं, पहली बार वो ज्ञापन के माध्यम से मुझे इन्होंने दिया है, वो भी कोई स्पेसिफिक रूप से मेरे तक ये बात नहीं आई, लेकिन एक चेयरमैन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं डिटेलिंग में जाऊँ और पता करूँ। अगर मेरे यहाँ किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके लिए मैं जवाबदार हूं और मैं उस पर जरूर एक्शन लूं। जांच के पश्चात किस प्रकार की कार्रवाई? पहले तो ये समझ देखिए, अगर कोई टीचर करता है तो वो तो अक्षम में है, कोई जिस उद्देश्य से उन्हें रखा गया है वो किसी भी छात्र के साथ हम किसी भी तरह की बदसलूकी या किसी तरह की वसूली करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। शासन द्वारा निर्धारित फीस से हमारे कॉलेज मज़े से चलते हैं और मुझे किसी तरह की अलग से कोई बच्चों से वसूली की जरूरत मेरे ग्रुप को नहीं है। एक दो नहीं, कई और मामले का जिक्र छात्रों ने किया है, एक मामला तो बैठा था आपके सामने, उसके बाद दूसरा मामला और नहीं? वो मामले में देखिए, जैसा मैंने बोला है उनको कल बुलवाया है कि आइए और आपका फॉर्म क्यों नहीं मिला मुझे बताइए, मेरे ख्याल से आप लोग सुने होंगे। मैं मामला देखिए, मैं चेयरमैन हूँ, आज हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हर मामले की जानकारी मुझे बगैर बताए नहीं हो पाती। सर, आप लोग पर ये भी आरोप है कि 2014 से आप लोग का डेंटल मेडिकल कॉलेज अवैध रूप से संचालित? नहीं, वो मामला तो खत्म हो गया साहब, उसके अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं बता दूँ। हाँ। ये कॉलेज 2005 से चल रहा है, डेंटल कॉलेज 2005 से चल रहा था, 2014 में यहाँ नर्सिंग होम एक्ट आया, नर्सिंग होम एक्ट आया तो उसके दायरे में शिक्षण संस्थान भी आएंगे, ये जानकारी किसी को नहीं दी गई और ये इसलिए आया कि जो नर्सिंग होम्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का बंधन लगाया जाए। डेंटल कॉलेज को इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा भी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारा संचालित है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी संचालित है, छत्तीसगढ़ शासन के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन द्वारा भी उनको परमिशन मिलता है और जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी उनका भी होता है, तो हम तो चारों तरफ से बंधे हुए हैं और हमारा वो इतनी डिटेलिंग में जांच करते हैं कि नर्सिंग होम एक्ट में वैसे आना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हमने अप्लाई कर दिया जिस दिन जानकारी में आया। साहब, अगर कोई नियम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे लागू होता है जो ऑलरेडी चल रहा है तो जब तक शासन से, और मैं बताऊं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज को भी नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, छत्तीसगढ़ का एक भी डेंटल कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं था, अभी जानकारी हुई, सबने करा लिया साहब,
एक छोटा सा डॉक्टर जब करा लेता है तो कॉलेज वाला क्यों नहीं कराएगा? जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं तो ये जानूंगा कि अच्छा है उन्होंने हमें बता दिया सर, आप लोगों ने अब रजिस्टर्ड करवा लिया, तो करवा लिया, वो सब जवाब दे दिया। दरअसल ने आप लोगों के खिलाफ एक जन ने शिकायत किया था कि गलत इलाज को लेकर किसी व्यक्ति ने आवेदन दिया। मैं बताऊँ सब, रोज के 350 लोग इलाज करवाते हैं एवरेज में, हो सकता है किसी को तकलीफ हुई हो तो वो डॉक्टर उसका जवाब देगा। सर, हमने भी डीन से आपके बात करने की कोशिश की और एक बार उन्होंने फ़ोन उठाया, उसके बाद हमें जवाब उचित जवाब नहीं मिला, जिसके कारण हम ही आपको दोषी सोच रहे थे, क्योंकि अगर आपने जैसा जवाब दिया। देखिए साहब, अगर कोई जवाब नहीं देता है तो ये गलत है, हर जवाबदार पद में बैठे व्यक्ति को जवाब तो देना होगा, जवाबदेही बनती है। रुमटा सर, आप काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं, इससे पहले आपके स्कूल में यौन शोषण वाला मामला आया था जी, और अब आज ये मामला होता है, तो प्रबंधन मीडिया को जांच और जांच रिपोर्ट के बारे में स्पष्ट क्यों नहीं करता? क्या हम ये एश्योर करें कि ये मामले में आप मीडिया के सामने आकर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ और क्या क्यों नहीं बताएंगे? साहब, अगर आप मुझसे पूछने आएंगे, देखिए मैं मीडिया के पास जाके हर चीज़ की जानकारी नहीं दे सकता, अगर कोई जानना चाहे तो मैं निश्चित रूप से, मेरे फ़ोन हरदम उठते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोले मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने बात नहीं की। अब मेरे स्टाफ में करीब करीब 1000 लोग काम करते हैं साहब, अगर कोई व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठाता या प्रॉपर जवाब नहीं देता, अगर उसकी सूचना मेरे तक आएगी तो निश्चित रूप से मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि जवाब दे। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।